All right, welcome class. Today we will continue with the design of worm gear. So in the last class we covered some portion of it, but let me walk through it once again so that those of you who couldn't attend last class will get to know what is there in this worm gear numericals. And also it will give a sort of continuity to the problem solving process. All right, let us read the problem statement once again. It says a worm gear drive is used to transmit 22 kilowatt between two shafts. So thoda sa ek apne ko har ek word pick up karna zaruri hai. A worm gear drive, sabse pehle to worm gear design karna ye pata chalta hai, is used to transmit 22 kilowatt. Jo power apne ko dikhta hai, jab tak numerical mein aisa bola nahi gaya ho ki wo design power hai, jo ki hota nahi hai usually, aisa nahi likha rehta hai ki design power itna itna hai karke, wo sirf aapko rated power hi dete hai numerical mein. To rated power, yahan pe 22 kilowatt bol diya inhone, to this is rated power they are talking about, between two shafts, which are 225 mm apart. To worm gear drive mein usually, सेंटर डिस्टेंस दिया रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वर्म गियर के प्रॉब्लम में सेंटर डिस्टेंस नहीं दिया गया हो. उसके बाद में तो ट्रांसमिशन रेशो इज 24:1. एक बात ध्यान में रखना है कि वर्म गियरिंग में कोई भी न्यूमरिकल स्टेजिंग का नहीं आता है. वर्म गियरिंग में कोई भी न्यूमरिकल स्टेजिंग का नहीं आता है. इवन बीवल गियरिंग में भी स्टेजिंग का न्यूमरिकल नहीं पूछा जाता है. स्टेजेस वाले जो न्यूमरिकल है वो आपको स्पर और हेलिकल में देखने को मिलेंगे. वर्म गियर खुद ही 300 तक के ट्रांसमिट कर सकता है वेलोसिटी रेशो. 300:1 इज़ द ट्रांसमिशन रेशो प्रोवाइडेड बाय वर्म एंड वर्म व्हील. सो ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें स्टेजिंग का इन रियल केस सिनेरियोज. जो भी अपने को रियल एनवायरनमेंट में सिनेरियोज होते हैं उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टेजिंग की वर्म गियर में, ठीक है. डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस ऑफ वर्म एंड वर्म गियर, दैट मीन्स इनडायरेक्टली इट इज़ टेलिंग यू टू डिज़ाइन वर्म एंड वर्म गियर. डिज़ाइन द वर्म गियर इफ़ इट इज़ मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो आस्किंग यू टू डिज़ाइन द गियर ब्लैंक फॉर वर्म गियर, ठीक है. सो एज यू कैन सी द गिवन डेटा इज रिटन. रेटेड पावर इज 22 किलोवाट, वेलोसिटी रेशियो इज 24:1 एंड द सेंटर डिस्टेंस इज 225 mm. इसके अलावा मटेरियल भी दिया हुआ है वर्म गियर इफ़ इट इज़ मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज. देखो वर्म गियर बोला हुआ है मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, वर्म नहीं, ठीक है. इसमें वर्म और वर्म व्हील में कभी भी वर्म और वर्म गियर का मटेरियल अलग अलग होता है, दोनों का मटेरियल सेम नहीं होता है. और उसमें से भी यहाँ पे दिया हुआ है करके, ठीक है. वर्म गियर मतलब वर्म व्हील जो रोटेट होता है. इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द स्क्रू. सिर्फ वर्म बोलेंगे तो स्क्रू की बात चल रही रहेगी, लेकिन वर्म गियर बोला है तो जो चीज़ गोल घूमती है उसको वर्म गियर बोलते हैं हम लोग. तो इसमें दिया है नहीं है, फिर भी वर्म गियर का जो मटेरियल है वो हम हमेशा फॉस्फर ब्रॉन्ज ही लेंगे. तो लेट मी शो यू यहाँ पे मटेरियल वाला जो टेबल है उसमें आप डेटा बुक में मैं आपको शो करता हूँ कि ये मटेरियल आपको कहाँ देखने को मिलता है डेटा बुक में. ये देखिए सीरियल नंबर 9, इफ़ यू कैन सी सीरियल नंबर 9 में फॉस्फर ब्रॉन्ज SAE 65. ये आपका टेबल है, टेबल नंबर 16-10. इसमें आपको SO की वैल्यू देखने को मिलेगी. जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तब हम इस उस पेज पे फिर से वापस आएंगे, ठीक है. ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि वर्म गियर इवन इफ इट इज़ नॉट मेंशनड इट विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस इट इज़ मेंशनड अदरवाइज. अगर बोला है उन्होंने कि नहीं स्टील का ही बना हुआ है तो स्टील लेना पड़ेगा, बट अगर नहीं बोला है कुछ भी तो हम फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही लेंगे. हम गियर की बात कर रहे हैं, वर्म की नहीं. हम स्क्रू डिज़ाइन नहीं करते हैं, एज इन जैसे गियर ब्लैंक हम लोग डिज़ाइन करते हैं पार्ट बी में, वैसे स्क्रू डिज़ाइन नहीं होता है, हमेशा वर्म गियर ही डिज़ाइन होता है, ठीक है, बिकॉज गियर ब्लैंक डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम लोग. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिज़ाइन स्टेप्स. वी हैव टू सेलेक्ट नंबर ऑफ टीथ एंड दिस यू हैव टू डू फ्रॉम टेबल नंबर 16-16. लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-16. हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म. नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म मतलब इसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ फ्लूट्स ऑन द स्क्रू. नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म का मतलब नंबर ऑफ फ्लूट्स ऑन द स्क्रू विच वी कॉल इट एज वर्म. वर्म एंड वर्म व्हील, उसमें से जो स्क्रू होता है उसको वर्म बोला जाता है. नाउ एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट द वेलोसिटी रेशियो इज 24. सो वी विल फाइंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ 24
एंड करस्पॉन्डिंगली द नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म विल गेट फाइनलाइज. सो इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 24, इट कम्स इन द रेंज ऑफ 12 to 36 एंड देयर फॉर टी डब्ल्यू हैज़ टू बी टेकन इक्वल टू 2. सो टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, तो नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म मिल गए, तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर विल बी वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म. वेलोसिटी रेशियो इज 24, नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म इज 2, सो टी जी इज इक्वल टू 48. ऑलराइट, लेकिन टेबल नंबर 16-16 में एक कंडीशन दी हुई है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर शुड बी ग्रेटर देन 29. नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर शुड बी ग्रेटर देन 29. यहाँ पे ऑलरेडी 48 आ रहा है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 29, हेंस ओके. मान के चलिए कि ये 29 से कम आ रहा हो, ये 29 से कम आ रहा हो, तो हमको इस कंडीशन के हिसाब से, सीरियल नंबर 3 के हिसाब से, टी जी हैज़ टू बी टेकन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 30. ठीक है, सो बट यहाँ पे अपना 48 आंसर मिल रहा है, सो वी विल नॉट वरी मच अबाउट इट. So that ends our step number 1. Step number 2 is you have to select lead angle lambda and pressure angle phi n. You have to select lead angle lambda and pressure angle phi n. Again referring to table number 16-16, lead angle is 6 degree per worm tooth. Per worm tooth. Agar tooth 2 hai, to 2 into 6 degree. Agar 3 hai, to 3 into 6 degree. To apne TW kitna hai worm tooth? 2 hai. To har ek angle, har ek gear ka 6 degree. Iske hisab se lambda kitna ho jata hai? 12 degree. लेकिन उसी टेबल में ये भी लिखा हुआ है कि हमको अगर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन चाहिए वर्म गियर का, तो हम लोग लैम्बडा लेते हैं इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ एन जी अपॉन एन डब्ल्यू. नाउ वी नो आरपीएम ऑफ वर्म डिवाइडेड बाय आरपीएम ऑफ गियर इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो. आरपीएम ऑफ वर्म डिवाइडेड बाय आरपीएम ऑफ गियर इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो. तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ वेलोसिटी रेशियो. और उसके हिसाब से अगर हमको लैम्बडा निकालना है तो हमको मिलता है 19.1. Now, there is a table in table number 16-16, serial number 5 में, कि अगर आपका लैम्बडा 12 डिग्री तक के है तो आपको प्रेशर एंगल फाइव एन 14.5 लेना है. अगर 12 से 20 के बीच में है तो 20 लेना है, 20 से 25 के बीच में है तो 22.5 लेना है. तो अभी यहाँ पे दो तीन conditions बनती है. अगर आपने इसको 19.1 ही कंटिन्यू किया, तो उसके हिसाब से ये आएगा इस रेंज में, 12 से 20 डिग्री के रेंज में, और उसके हिसाब से अपने को प्रेशर एंगल फाइन मिलेगा 20 डिग्री. लेकिन अगर आपने इसको 19.1 डिग्री को अगर राउंड अप किया तो अपने को मिलता है 20 डिग्री. नाउ 20 डिग्री लाइज इन 12 टू 20 डिग्री वाली रेंज, इट ऑल्सो लाइज इन 20 डिग्री टू 25 डिग्री वाली रेंज. तो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड, लाइक इवन इफ यू डिसाइड सेम वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड प्रेशर एंगल फॉर द वर्म एंड वर्म विल, इट विल डू. अगर लेकिन आप यहाँ पे अगर रिमार्क्स की बात करते हो तो रिमार्क्स में देखिए एक कॉलम एक रो में नॉर्मली यूज बोला हुआ है. नाउ इफ आई हैव गॉट टू ऑप्शंस टू चूज लैम्बडा फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम 12 डिग्री टू 20 डिग्री एंड 20 डिग्री टू 25 डिग्री, और इसके सामने अगर इस मिडल रो के सामने अगर नॉर्मली यूज लिखा हुआ है, तो आई थिंक आई शुड प्रीफर दिस. सो देयरफॉर वी कंसिडर लैम्बडा इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ phi n, that is normal pressure angle, as 22.5 degree. तो यहाँ पे अपन ने lambda is equal to 20 degree assume किया और phi n pressure angle, phi n normal pressure angle, वो अपन ने 22.5 degree लेके, क्यों? क्योंकि इसके सामने normally used लिखा हुआ, वो अपन ने continue किया, and that ends our step number 2. Okay, before we move any further, I would like to ask you something. We have got two lectures back to back, and in the middle we have got that 15 minutes recess. So my proposal was we will continue our lecture for the sake of continuity of the numerical. We will not stop or we will not take break in those 15 minutes, and we will end 15 minutes early. Like apne do lecture 11:15 ko standard tarike se khatam hone chahiye. पर अगर हम लोग वो बीच का अगर रिसेस का पार्ट नहीं लेते हैं तो आई थिंक वी विल बी इन अ पोजिशन टू फिनिश बाय 11. सो आई वुड लाइक टू नो कि चलेगा क्या वैसे. सो 11:15 की जगह पर हम लोग 11 बजे ख़त्म कर देंगे, ये 15 मिनट जो है बीच के हम लोग चलते रहेंगे. ठीक है, ओके.
सो आई एम गेटिंग ओके फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स. सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू एंड वी विल नॉट टेक ब्रेक बिटवीन टू फर्स्ट टू लेक्चर्स. वी विल कंटिन्यू, 1.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ेंगे 9:30 से 11 तक, और आपको 15 मिनट पहले आई विल लीव. ठीक है, चलो, थैंक यू, कंटिन्यू. स्टेप नंबर 3 इज पिच डायामीटर एंड पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ वर्म गियर. अब देखो यहाँ पे मैं हर एक स्टेप में आपको हमने पहले किस तरह से पढ़ा और अभी किस तरह से पढ़ना है ये डिस्टिंक्शन बताते चल रहा हूँ. तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगा. अब तक अपने पास लेट अस से इवन इफ इट वाज स्वर गियर, इट वाज हेलिकल गियर और इट वाज बीवल गियर, वी हैड टू गियर्स. वन वाज पिनियन, जिसको ड्राइविंग मेंबर बोलते थे हम लोग. द अदर वाज ड्रिवन मेंबर. तो आपको पता होगा कि स्पर की बात करें, हेलिकल की बात करें या फिर बीवल की बात करें, वहाँ पर हम ने पिच लाइन वेलोसिटी निकालते वक्त, स्टेप नंबर 3 में पिच लाइन वेलोसिटी निकालते वक्त हमेशा अपन ने पिनियन का वेलोसिटी निकाला हुआ है. पर वर्म एंड वर्म व्हील में देर इज़ नो पिनियन एट ऑल. आर यू गेटिंग? द ड्राइविंग मेंबर इज अ स्क्रू, इट इज़ नॉट अ पिनियन. ऑल राइट? तो यहाँ पे पिच लाइन वेलोसिटी निकालते वक्त हम लोग स्क्रू की वेलोसिटी नहीं निकालते हैं, हम लोग गियर की वेलोसिटी निकालते हैं. ठीक है, पिच लाइन वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. तो उसके हिसाब से यहाँ पे वीपी का जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज़ नो टर्म रिलेटेड टू पिनियन हियर. कहाँ पे? वर्म एंड वर्म व्हील में. अदरवाइज मेड बी स्पर गियर, मेड बी हेलिकल गियर, मेड बी बीवल गियर, देयर यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर पिनियन वाइल फाइंडिंग आउट पिच लाइन वेलोसिटी. ऑल राइट? ठीक है. तो वी नो पिच डायमीटर ऑफ गियर, दैट इज डी जी, इज मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर. सो 48 टाइम्स एम अपन ने लिख लिया. NW इज 960 RPM, इट इज़ एन एज्यूम्ड वैल्यू. तो ये जब भी हम एग्जाम में लिखते हैं तब इसके सामने एजम्पशन करके थोड़ा सा कैपिटल में लिखना है अपने को. क्यों? क्योंकि इनपुट RPM दिया ही नहीं है न्यूमरिकल में. न्यूमरिकल में कहीं पे भी इनपुट RPM की बात नहीं की गई है. आप यहाँ पे 960 यूज़ करो, 1000 यूज़ करो, 1440 यूज़ करो, 1200 यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द न्यूमरिकल यहाँ पे वर्म, दैट इज इनपुट RPM इज टेकन एज 960. ठीक है. Now, if input RPM is 960 and velocity ratio is 24, we can find out output RPM, that is given by gear as 960 divided by velocity ratio 24. तो output पे अपने को 40 RPM मिलता है. That means the gear, ये rounded value है. ठीक है, 960 divided by 24 is a rounded value. तो it is the RPM of gear which is equal to 40 RPM. क्यों अपन ने ये निकाले? Because अपने को VP में उसको use करना है. We know VP we always find in meter per second and we find it in terms of module. VP वी फाइंड इट ऑलवेज इन मीटर पर सेकेंड एंड वी फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल. सो पाईडीएन अपॉन 60 × 1000. वाई 1000? इसलिए क्योंकि ये डायमीटर जो अपने को mm में मिल रहा है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और डिवाइड बाई 60. क्यों? क्योंकि ये जो RPM है उसको RPS में कन्वर्ट करना है. भूलना मत, यहाँ अगर गलत हुआ तो अगला पूरा न्यूमरिकल चेक ही नहीं होता है. VP की वैल्यू गलत हुई तो इसके आगे का गलत ही होगा बोल के कोई चेक ही नहीं करता है. आप समझो बात को. ठीक है, इसलिए मैं इतना हर बार इसको थोड़ा सा बार बार लगातार अपन ने रिपीट किया. अभी ये आखिरी न्यूमरिकल है, आखिरी टॉपिक है. इसके बाद शायद अपन एक न्यूमरिकल लेंगे या फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं है. तो इसके बाद ये चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ऑलराइट, वीपी मिल गया. नाउ लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 4. यहाँ पे डिज़ाइन पावर एंड टेंजेंशियल टूथ लोड. फॉर दिस वी हैव टू रेफर टेबल 16-15. 16-15 में देखो डिज़ाइन पावर PD इज फाउंड आउट बट PR इंटू KL. PR तो रेटेड पावर है जो न्यूमरिकल में गिवन है, लेकिन लोड फैक्टर जो है यू हैव टू सिलेक्ट इट फ्रॉम टेबल नंबर 11-5. ठीक है, लोड फैक्टर कहाँ से सिलेक्ट करना है? 11-5. तो लेट अस मूव टू टेबल नंबर 11-5. इट विल टेक सम टाइम टू लोड बिकॉज एडोबी इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन माय लैपटॉप. सो वी आर ओपनिंग दिस PDF इन द ब्राउजर इटसेल्फ, एंड ब्राउजर्स आर अ बिट स्लो टू लोड PDF फाइल्स. सो you have to bear with me on this. Let us move to table number 11-5. I am in the process of finding it, so please bear with me. All right, I'll show that value to you. In the meantime, let us say ki QC calculation ke hisab se 1.75 aa gaya. Once this page opens, I'll show it to you. So PD, डिजाइन पावर इज गिवन बाय रेटेड पावर मल्टीप्लाइड बाय लोड फैक्टर. हाँ, तो PD इज इक्वल टू PR इंटू KL. सो KL 1.75 आ गया बाय सम मीन्स. अपन आगे बढ़ गए, देखो
ठीक है. सो पी डी 22 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1.75 गिव्स अस 38.5 किलोवाट. और उसके हिसाब से वी विल बी इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट एफ टी. नाउ सिंस द टेबल इज, हाँ ओके 11-5 ओके ठीक है. देखो 11-5 ओपन हो गया अपने सामने. आई थोड़ा सा जूम किया मैंने आपके लिए. अब देखो जब हमने यहाँ पे एन डब्ल्यू एज्यूम किया था तब एजम्पशन में अपन ने लिखा था कि लेट अस एज्यूम इट इज़ ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर वॉज आवर एजम्पशन. ऑल्सो अगर आप न्यूमरिकल पढ़ते हैं तो पावर इज गेटिंग ट्रांसमिटेड बिटवीन टू शाफ्ट्स, न्यूमरिकल स्टेटमेंट में दिया हुआ है ठीक है. तो ड्राइविंग मेंबर इज इलेक्ट्रिक मोटर एंड ड्रिवन मेंबर इज अ शाफ्ट. ड्रिवन मेंबर इज अ शाफ्ट. अब वो शाफ्ट काय को रोटेट कर रहा है दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट बेसिकली ड्राइविंग मेंबर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ड्रिवन मेंबर इज अ शाफ्ट. तो डिजाइन डेटा में देखो दो कॉलम अगर देखते हैं तो एक ड्राइविंग मशीनरी है दूसरा ड्रिवन मशीनरी. अब ड्राइविंग मशीनरी अपन ने इलेक्ट्रिक मोटर तो एज्यूम कर लिया, ड्रिवन में अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, शाफ्ट ढूंढना पड़ेगा. टर्बाइन ब्लोअर नहीं, लेथ नहीं, मिलिंग मशीन नहीं, सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं, वुड वर्किंग नहीं, मशीन नहीं, वुड वर्किंग मशीन नहीं. यहाँ पे लाइन शाफ्ट दिख रहे और लाइन शाफ्ट के करेस्पॉन्डिंग के एल की वैल्यू अपने को 1.75 मिलती है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, के एल की जगह पर 1.75 लिख लिया और पी डी इज इक्वल टू 22 × 1.75 दैट इज 38.5 किलोवाट अपने को मिल गया. नाउ अगेन लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-16. लेट इट लोड. फ्रॉम टेबल नंबर 16-15 वी गेट एफ टी का जो फॉर्मूला है इट इज गिवन एज पी डी अपॉन वी पी. वो मैं दिखा दूंगा आपको डेटा बुक में ठीक है. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ पी डी जस्ट वी एज वी फाउंड आउट इज 38.5 × 10³ वैट 38.5 × 10³ वैट एंड वी पी वी जस्ट फाउंड आउट एज इक्वल टू 0.1 मॉड्यूल. सो 38.5 × 10³ डिवाइड बाई 0.1 मॉड्यूल. तो ये अपने को एफ टी का वैल्यू 385 × 10³ डिवाइडेड बाई एम इतना मिलता है ठीक है. लेट मी शो यू द फार्मूला फॉर एफ टी वेन इट कम्स टू द वर्म गियरिंग 16-15 वी हैव टू फाइंड फॉर. सो एफ टी टूथ लोड इज पी डी अपॉन वी पी डिजाइन फार्मूले फॉर वर्म गियर्स. आई विल सो एफ टी इज पी डी अपॉन वी पी. तो उस हिसाब से अपने को एफ टी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया विच इज 385 × 10³ डिवाइडेड बाई मॉड्यूल और 385 डिवाइडेड बाई मॉड्यूल किलो न्यूटन ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 5. अपने को पता है एफ टी के बाद हम लोग एफ बी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एफ टी एफ बी को इक्वेट करते हैं, उसके बाद हम मॉड्यूल निकालते हैं, उसके बाद हम सारी वैल्यूज लिखते हैं. ये अब तक याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो याद हो जाना चाहिए ठीक है. सो डिजाइन स्ट्रेंथ एफ बी, एफ बी का फॉर्मूला देखो क्या है, एस ओ सी वी बी वाई एम. एस ओ सी वी बी वाई एम. एस ओ क्या है अपने को पता है, बेसिक स्ट्रेंथ है, टेबल नंबर 16-10 से मिलेगा. सी वी का वैल्यू आप देखिए 6/6 + VP है. अगेन अपने को अब तक देखो स्पर हेलिकल और बेवल गियर में अपन ने एक टेबल को हमेशा रेफर किया हुआ था 16-5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ पे अपने को एक फिक्स वैल्यू है 6/6 + VP. और वाई का भी फॉर्मूला आप यहाँ पे देखो, वाई इज ल्यूइस फॉर्म फैक्टर. वाई इज वॉट, ल्यूइस फॉर्म फैक्टर. इट इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ टीथ. थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, वाई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ टीथ. आपको अगर याद होगा तो अपन ने स्पर गियर में ल्यूइस फॉर्म फैक्टर निकाला था नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से. हेलिकल गियर में अगर याद होगा तो ल्यूइस फॉर्म फैक्टर अपन ने निकाला था फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से. बेवल गियर में भी अगर आपको याद होगा तो हमने ल्यूइस फॉर्म फैक्टर निकाला था फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से. वर्म एंड वर्म व्हील में ल्यूइस फॉर्म फैक्टर वाई इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंगल, नॉर्मल प्रेशर एंगल, जो अपन ने स्टेप नंबर 2 में 22.5 डिग्री एज्यूम करके चले थे हम लोग एज पर सीरियल नंबर एज पर टेबल नंबर 16-16 ठीक है. सो इन द फॉर्मूला फॉर एफ पी एस ओ सी वी बी वाई एम दिस इज वाई ओके. ये थोड़ा सा जो लैम्बडा टाइप दिख रहा है इट इज नॉट लैम्बडा इट इज वाई. सो एस ओ फॉर द गिवन गियर, फॉर द गिवन एसओ, एक देखो अपने पास फॉस्फर ब्रॉन्ज एक मटेरियल दिया हुआ है ठीक है और वर्म का मटेरियल नहीं दिया हुआ है. तो वर्म का मटेरियल अपन ने एज्यूम कर लिया ऐसे ही 2320 टेबल नंबर 16-10 के हिसाब से. लेट मी टेक यू टू टेबल नंबर 16-10. सो आप देख सकते हो फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो एसओ है वो 84 है. फॉस्फर ब्रॉन्ज का एसओ जो है वो 84 है और वर्म के लिए अपन ने एक मटेरियल एज्यूम किया विच इज़ ऐसे ही 2320 350 ठीक है. तो अपने पास आप देख सकते हो कि दो एसओ की वैल्यूज़ है, एक 84 मेगापास्कल दूसरा है 350 मेगापास्कल.
तो वर्म एंड वर्म के लिए आपको ध्यान, वर्म एंड वर्म विल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो एसओ की वैल्यू छोटी रहेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो एसओ की वैल्यू छोटी रहेगी वो एसओ की वैल्यू अपने को यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हम लोग ये दो वैल्यूज़ में से 84 मेगा पास्कल गियर की जो एसओ की वैल्यू है वो अपन फाइनल फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। ओके नाउ अपने को सी वी भी एज्यूम करना पड़ता है, तो सी वी का वैल्यू, ट्रायल वैल्यू हम लोग 0.75 करके एज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट है बीच में, ठीक है, ये 0.75 थोड़ा दिख रहा है ऐसा, बट इट इज़ 0.75 और जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इज़ अ ट्रायल वैल्यू। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा कि सी वी की वैल्यू वॉज डिपेंडेंट ऑन आर पी एम रेंज, 1000 से कम है, 1000 से 2000 के बीच में है, 2000 से ऊपर है, तो सी वी का वैल्यू चेंज हो जा रहा था अब तक, एजम्पशन वाला वैल्यू। बट यहाँ पे एजम्पशन वाला वैल्यू अपने को डायरेक्ट डायरेक्ट 0.75 लेके चलना है कोई भी पेयर ऑफ गियर के लिए। नाउ एसओ हो गया, सी वी हो गया, बचा बी। नाउ बी अपने को मिलता है टेबल नंबर 16-19 से, तो लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-19। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में क्या है, डायमेंशंस ऑफ वर्म गियर फॉर वर्म, नहीं अपने को वर्म के लिए नहीं चाहिए, अपने को गियर के लिए चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं फेस विड्थ देखता हूँ, किधर दिख रहा है फेस विड्थ, ये देखिए फेस विड्थ, ठीक है, फेस विड्थ बी फॉर सिंगल एंड डबल थ्रेड्स। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू फॉर अस इज 2, दैट मीन्स इट इज़ अ डबल डबल थ्रेडेड वर्म गियर। ऑल राइट, सो हम लोग बी का फॉर्मूला 2.38 पी सी प्लस 6.25 ये लेके चलेंगे। ठीक है, कहाँ से मिला अपने को ये, टेबल नंबर 16-19 से। फेस विड्थ का वैल्यू, दो वैल्यूज है, 2.38 पी सी प्लस 6.25 या फिर 2.15 पी सी प्लस 5, लेकिन 2.15 पी सी प्लस 5 का के लिए है, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल थ्रेड्स के लिए, अपना डबल थ्रेड्स है, तो वी विल गो विथ 2.38 पी सी प्लस 6.25। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज दिस पी सी, व्हाट इज दिस पी सी, दिस पी सी स्टैंड्स फॉर सर्क्यूलर पिच, दिस पी सी स्टैंड्स फॉर सर्क्यूलर पिच एंड इट इज गिवन बाय पाई टाइम्स मॉड्यूल, दिस पी सी स्टैंड्स फॉर सर्क्यूलर पिच एंड इट इज गिवन बाय पाई टाइम्स मॉड्यूल। तो आप देखिए यहाँ पे 2.38 पी सी लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसके सामने प्लस 6.25 भी है, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस 6.25 नहीं लिया है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। पहले हम लोग 2.38 पी सी के हिसाब से पी सी इज इक्वल टू पाई एम रख के 2.38 पाई एम का 7.48 एम अपने को बी का वैल्यू मिल जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ यू कंसिडर दिस प्लस 6.25, ठीक है, प्लस 6.25 अगर हम लोग करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ब्रैकेट में अपने को एम प्लस एम स्क्वायर ऐसा एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एफ बी का इक्वेशन मिलता है। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दैट इक्वेशन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इफ वी डू नॉट कंसिडर दिस प्लस 6.25, इफ वी डू नॉट कंसिडर दिस प्लस 6.25, यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस जो है एफ बी के वो बहुत ईजी पड़ जाते हैं विदाउट लॉस ऑफ एक्यूरेसी। ट्राई टू गेट मी प्रॉपरली, हम लोग अगर ये प्लस 6.25 एज्यूम नहीं करते हैं, सिर्फ 2.38 पी सी लेके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये एफ बी का जो इक्वेशन है ये अपने लिए बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे अदरवाइज़ क्या होगा, एक टर्म एम की मिलेगी, एक टर्म एम स्क्वायर की मिलेगी। अगर ये प्लस 6.25 हम लोग नहीं लेते हैं तो ये एफ बी का इक्वेशन अपने को थोड़ा सिंप्लीफाइड मिलता है विदाउट लैक ऑफ एक्यूरेसी, विदाउट लॉस ऑफ एक्यूरेसी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फेस विड्थ का वैल्यू 2.38 पी सी लेते हैं, प्लस 6.25 नहीं लेते उसके सामने। ठीक है, नाउ वाई, वाई का फॉर्मूला क्या है डिज़ाइन डेटा बुक के हिसाब से 16-15 में हम लोग देखते हैं। वाई का फॉर्मूला है 0.314 प्लस वाई इज ल्यूइस फॉर्म फैक्टर प्लस 0.0151 ब्रैकेट में फाई एन, दैट इज प्रेशर एंगल, नॉर्मल प्रेशर एंगल माइनस 14.5। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, अपने को पता है फाई एन का वैल्यू हमने यहाँ पे 22.5 डिग्री एज्यूम करके चले हैं। वो फॉर्मूला जब हम यहाँ पे रखते हैं तो अपने को ल्यूइस फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 0.435 ऐसा मिलता है। सो अल्टीमेटली वी गेट एफ बी इज इक्वल टू एसओ, दैट इज 84 मल्टीप्लाइड बाई सी वी, दैट इज 0.75, इट इज़ अ ट्रायल वैल्यू, बी विच कम्स आउट टू बी 7.48 टाइम्स मॉड्यूल, एंड वाई विच इज 0.435 जो हमने यहाँ पे लिख दिया, और एम इज एम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमको मिलता है 205 इंटू मॉड्यूल स्क्वायर न्यूटन, एफ बी इज इक्वल टू 205 मॉड्यूल स्क्वायर न्यूटन। ऑलराइट, ओके, स्टेप नंबर 6 इज वी हैव टू सिलेक्ट अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल एंड फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट
the module by equating FB with FT. Now FB is 205 m square, FT is 385 into 10 to the power 3 divided by m, that is module. इन लोगों को जब हम, इन दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तब हमको मिलता है 12.34 mm एज द मॉड्यूल. वी ऑल नो यू हैव टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मॉड्यूल. ये 12.34 mm इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, सो वी विल रेफर टू टेबल नंबर 16-7. लेट अस गो टू टेबल नंबर 16-7. यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीफर्ड चॉइसेस में 12 से ज़्यादा है तो 12 नहीं ले सकते, 12 के बाद सीधा 16 अवेलेबल है अपने पास, ठीक है. अब यहाँ पे जो सॉल्व किया गया है वो सेकंड चॉइस के हिसाब से सॉल्व किया गया है. नाउ इट इज़ नॉट रॉन्ग इफ़ यू गो फॉर सेकंड चॉइस, इट इज़ नॉट रॉन्ग इफ़ यू गो फॉर सेकंड चॉइस, ऑल दो फर्स्ट चॉइस इज प्रिफर्ड. ये जो प्रिफर्ड चॉइसेस है उसमें से सिलेक्ट करना अच्छा होता है, बट इवन इफ़ यू गो फॉर सेकंड चॉइस आपको गलत कोई नहीं बोलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे हुआ ऐसा है कि 12 के बाद सीधा जो मॉड्यूल अवेलेबल है वो 16 है, ठीक है. वेर एज सेकंड चॉइस में अपने पास 14 ये मॉड्यूल अवेलेबल है. तो इवन इफ यू टेक मॉड्यूल इज इक्वल टू 16 mm एंड सॉल्व, द प्रॉब्लम विल नॉट बी रॉन्ग. इवन इफ यू कंसिडर सेकंड चॉइस मॉड्यूल एज 14, द न्यूमरिकल विल नॉट बी रॉन्ग, ऑल दो फर्स्ट वैल्यू इज प्रिफर्ड. प्रिफर्ड वैल्यू इज प्रिफर्ड वैल्यू ऑफ मॉड्यूल. तो यहाँ पे क्या किया है, सेकंड चॉइस के हिसाब से मॉड्यूल का वैल्यू 14 लेके सॉल्व किया गया है. तो वी विल ऑल्सो कंसिडर द सेम वैल्यू ऑफ मॉड्यूल एंड वी विल कंटिन्यू with solving the numerical, ठीक है. Now since we found out the value of module, we can now calculate the value of diameter of gear, pitch line velocity of gear, FT, the value of FT and the actual value of CV, that is velocity coefficient. We know DG is equal to 48 times module, module is 14, so M into TG, अपने को DG का value 672 मिल गया. Face width, अब देखो face width यहाँ पर क्या किया है उसने, face width का भी पूरा का पूरा इसने equation लिया है. That is 2.38 PC plus 6.25. तो 2.38 PC, PC के जगह पर इसने pi into module लिख दिया, तो 2.38 pi into module plus 6.25, 111 mm. तो face width हमने 111 mm find out कर लिया. VP was 0.1 times module, तो 0.1 into 14, तो 1.4 meter per second अपने को VP भी मिल गया. FT का value अपने को पता है 385 into 10 to the power 3 divided by module था, तो अपने को FT का value मिलता है 27.5 into 10 to the power 3 Newton. Now we have to also find out the actual value of CV. We know the actual value of CV is dependent on the value of VP. Let me show you that formula. अब देखो यहाँ पे CV का जो formula है it is dependent on 6 upon 6 plus VP. So VP का value अपने को मिल गया है 1.4. तो we can also find out new value of CV. So 6 upon 6 plus VP, that is 0.81 is the value of CV that we get. अब देखो जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सी वी है वो एज्यूम्ड वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम लोग जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इसके बाद कंटिन्यू करके चलेंगे. सो अल्टीमेटली वी ऑल नो वंस वी फाइंड आउट ऑल दिस वैल्यूज, दैट इज डी जी, फेस विड्थ, पिच लाइन वेलोसिटी, एफ टी एंड सी डैश वी, वी फाइंड आउट फाइनल वैल्यू ऑफ एफ पी. तो फाइनल वैल्यू ऑफ एफ पी विल बी एस ओ सी वी बी वाई एम. एस ओ अपने को पता है 84 है, CV का वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू 0.81 है तो वो लेंगे हम लोग. B कैलकुलेटेड वैल्यू 111 है तो हमने 111 लिख दिया. Y तो 0.435 है, इट वॉज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंगल तो ये तो चेंज होगा नहीं, तो 0.435 हमने लिख दिया. इनटू मॉड्यूल लिख दिया, दैट इज 14. तो अपने को FB का वैल्यू मिला 46 किलो न्यूटन, या फिर 46 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन. हमको पता है वंस वी फाइंड आउट बोथ द वैल्यूज ऑफ FB एंड FT, वी कंपेयर देम, देर इज अ डिज़ाइन चेक. ये स्पर गियर, हेलिकल गियर, बीवल गियर और वर्म गियर में कॉमन चीज़ है, यू हैव टू गो फॉर अ डिज़ाइन चेक हियर. वी शुड फाइंड आउट दैट एफ बी इज ग्रेटर देन एफ टी. नाउ द वैल्यू ऑफ एफ बी इज 46 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, वेर एज एफ टी इज 27.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन. इट इज एविडेंट दैट एफ बी इज ग्रेटर देन एफ टी एंड देयर फोर द डिज़ाइन स्टेप्स दैट वी डिड टिल स्टेप नंबर 7 आर करेक्ट, ठीक है. Now step number 8 is we find out pitch diameter of worm, and this we do it from table number 16-19. Let us go to table number 16-19. Here table number 16-19 mein we are finding out pitch diameter of worm. I am again repeating, jis tarah se spur, helical aur bevel mein velocity ratio was dependent on diameter of pinion and gear, yahan pe hum log वेलोसिटी रेशो से डायमीटर नहीं निकाल सकते.
वी कैन इक्वेट वेलोसिटी रेशियो विथ नंबर ऑफ टीथ एंड द आरपीएम एंड नॉट विथ डायमीटर, जैसे कि स्पर हेलिकल और बेवल में हम लोग करते आए हैं। वॉर्म में हम डायमीटर से वेलोसिटी रेशियो को कंपेयर मतलब नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। सो लेट अस गो टू टेबल नंबर 16-19। वॉर्म का डायमीटर निकालना है तो हम लोग ये टेबल रेफर करेंगे, ऊपर वाला, बिकॉज नीचे वाला टेबल गियर का है। सो डी डब्ल्यू इज पिच डायमीटर ऑफ वर्म, डबल थ्रेड है अपना, तो 2.4 पी सी प्लस 27.5, 2.4 पी सी प्लस 27.5 mm। पी सी इज पाई टाइम्स मॉड्यूल, तो 2.54 इंटू पाई इंटू मॉड्यूल प्लस 27.5 इज इक्वल टू 133 mm। सो वी ऑल्सो फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज पिच डायामीटर, ठीक है। नाउ देर इज अ डिज़ाइन चेक फॉर पिच डायामीटर, देर इज अ डिज़ाइन चेक फॉर पिच डायामीटर एज पर, लेट मी फाइंड आउट द टेबल नंबर, यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 16-16 में सीरियल नंबर 4। पिच डायमीटर हैज़ टू बी विद इन सेंटर डिस्टेंस टू द पावर 0.875 डिवाइड बाय 1.132 एंड सी टू द पावर 0.875 डिवाइडेड बाय 2। योर पिच डायमीटर ऑफ वर्म, पिच डायमीटर ऑफ वर्म हैज़ टू बी बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो हमको ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है। एंड अब तक आप सोच रहे होंगे कि सेंटर डिस्टेंस का क्या काम है, सेंटर डिस्टेंस का यहाँ पे हमको काम पड़ता है। ये एक डिज़ाइन चेक है, सी टू द पावर 0.875 डिवाइड बाय 1.132 शुड बी ग्रेटर दैन वर्म डायमीटर, शुड बी ग्रेटर दैन सी टू द पावर सेंटर डिस्टेंस टू द पावर 0.875 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, तो हम लोग अगर सेंटर डिस्टेंस अपने को पता है 225 mm है, हम लोग अगर सी टू द पावर 0.875 डिवाइड बाय 1.132 जो लेफ्ट वर्ड वैल्यू है वो निकालते हैं तो अपने को 101 mm मिलता है। वेर एज राइट वर्ड वैल्यू विच इज़ 225 डिवाइड बाय 0.875 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 0.875 डिवाइड बाय 2 अगर हम देखते हैं तो 57 mm मिलता है। दैट मीन्स द वर्म डायामीटर, पिच डायामीटर ऑफ वर्म शुड बी विद इन 101 and 57। ये अपना कंडीशन है। वेर एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वर्म वॉज 133 mm। नाउ 133 डजेंट लाई बिटवीन 101 and 57 mm, ठीक है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू दैट कैन बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन सेंटर डिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज पिच डायमीटर ऑफ वर्म दैट कैन बी कंसिडर विथ द कंसिडरेशन ऑफ सेंटर डिस्टेंस शुड बी 101, इट कैन नॉट बी 133। वाई? क्योंकि रेंज जो है अपने पास 101 से 57 तक की है, 101 mm से लेकर 57 mm तक के, तो इसलिए हम यहाँ पे 133 यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग ये रेंज का अपर वैल्यू लेके उसको डी डब्ल्यू का वैल्यू दे देते हैं। सो न्यू वैल्यू ऑफ पिच डायमीटर ऑफ वर्म शुड बी 101 mm। ऑल राइट, सो दैट इज अवर स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 8। नाउ स्टेप नंबर 9 is calculate the dynamic load on gear which is given by FD. Let us find out if there is a formula for FD given. No, there is the formula for dynamic load, I can't see it. So fine, this is one of those formulae which you have to remember. Let me search it once again. No. So this is something that you have to keep in mind. The formula for FD is given by FT upon the new value of CV and it comes out to be equal to 34,000 newton, ठीक है। वर्म गियर में ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब तक स्पर हेलिकल और बिवेल में वी हैड सम फार्मूला वेयर इट वॉज समथिंग लाइक 21 VP प्लस सी ई बी प्लस FT डिवाइडेड बाई 21 VP प्लस अंडर रूट ऑफ सी ई बी प्लस FT, समथिंग लाइक दैट। दैट फार्मूला यूज टू बी देयर, but that formula I can't see it in here. So in case of worm gear you have to remember this particular formula of FD which is given by FT upon CV. Now we know the value of FT as calculated in the last step. FT was 27.5 into 10 to the power 3 newton, whereas the value of CV that we calculated was 0.81. So we will keep these two values in the formula for FD and we will calculate the value of FD as 34,000 newton. This is a rounded value, I'm not sure. Let us calculate this. Let us calculate 27.5 into 10 to the power 3, 27.5 into 1000 divided by 0.81. So it is 33,950
33,950.61 न्यूटन, जिसको अपन ने राउंड अप करके 34,000 न्यूटन लिख दिया। इट इज़ अलाउड, ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है 33,950 और 34,000, या फिर अगर आप एक्चुअल वैल्यू भी लिखते हैं तो इट वोंट बी काउंटेड एज रॉन्ग। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 10, इट शुड बी स्टेप नंबर 10 हियर, आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ नंबर्ड इट एज 13, बट इट शुड बी स्टेप नंबर 10। वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वेयर स्ट्रेंथ एफ डब्ल्यू, एंड एफ डब्ल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज़ गिवन बाई डी जी इंटू बी इंटू के टू। नाउ डी जी वी नो इट इज़ फेस विड्थ ऑफ गियर, सॉरी इट इज़ पिच डायमीटर ऑफ गियर, बी इज़ फेस विड्थ ऑफ गियर, एंड के टू इज़ अ लोड स्ट्रेस फैक्टर विच हैज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम टेबल नंबर 16-17। सो लेट अस मूव टेबल नंबर 16-17 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के टू, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ डी जी एंड फेस विड्थ। 16-17, let us move to 16-17. okay, so we know we have assumed the material for worm as steel, ye apna assumption hai steel, whereas material for gear is phosphor bronze, so steel and phosphor bronze will give us the value of k2 as 0.7. steel as worm material and gear material as phosphor bronze will give us the value of k2 as 0.7. so यहाँ पे आप देख सकते हैं डी जी इंटू बी, डी जी वॉज 672 फ्रॉम दिस स्टेप, लेट मी शो यू दैट स्टेप। डी जी वॉज 672, बी वॉज 111, सो यहाँ पे वो वैल्यूज़ हम लोग जब रखते हैं, डी जी इज 672, बी वॉज 111 एंड के टू इज 0.7, जो यहाँ पे हमने निकाला स्टील एंड फॉस्फोर बॉन्स 0.7, ये रख दिया हमने, तो अपने को मिलता है 52,214.4। वी नो एफ डब्ल्यू शुड कम आउट टू बी ग्रेटर दैन एफ डी, एफ डी इज़ डायनामिक लोड, वेयर एज एफ डब्ल्यू इज लिमिटिंग वेयर स्ट्रेंथ, एफ डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर दैन एफ डी। दिस इज़ अ सेकेंड डिज़ाइन चेक दैट वी परफॉर्म, तो यहाँ पे हमने वो डिज़ाइन चेक परफॉर्म किया और अपने को पता चला कि 52,214.4 न्यूटन इज़ डेफिनेटली ग्रेटर दैन 34,000 न्यूटन। तो यहाँ पे अपना सेकेंड डिज़ाइन चेक भी सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पे एफ ई जो है एंड्यूरेंस स्ट्रेंथ, ये हम लोग यूजुअली कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो अगर आप करते भी हैं तो भी आई डोंट इफ इवन इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, आई डोंट थिंक दैट फार्मूला इज़ अवेलेबल। एफ ई फार्मूला इज़ नॉट अवेलेबल, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर एफ ई, दैट इज़ एंड्यूरेंस स्ट्रेंथ, यू डोंट हैव टू चेक दैट। ठीक है, नाउ एक नोट यहाँ पे लिखी है, वो हम सब लोग आप भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। In case of worm gear drives, an additional check for thermal loading and heat dissipation is necessary because these drives are generally meant for continuous duty. और हमने ये भी देखा है कि it is one of the disadvantage of using worm and worm gear drive because they are able to transmit higher velocity ratios. There is too much of friction involved between the worm and the worm wheel, and therefore the heat generation is much more as compared to spur, bevel and helical gears. So here you also have to, two design check we did, FB and FT, FW and FD. There is a third design check that we have to follow, which is by finding out the temperature generated or heat generated and heat dissipated. The difference between these two will give us the temperature rise. That temperature rise has to be within certain limit. If it is within certain limit, then the design of worm and worm wheel is okay. So this is the last design check that you have to perform for part A of worm gear drive. All right, so isko hum log thoda alag se likhte hai, to we can give it fresh numbering or we can continue giving the numbering. We can call this as step number 11. You have to calculate rubbing velocity VR and coefficient of friction mu. Now rubbing velocity as per this table hai kya yahan pe, लेट अस फाइंड आउट कौन सा टेबल है, टेबल नंबर 16-16, लेट अस गो टू टेबल नंबर 16-16। आप देखिए रबिंग वेलोसिटी इज गिवन बाय पाई डी डब्ल्यू एन डब्ल्यू डिवाइड बाय कॉस ऑफ लैम्डा इनटू 1000। क्या है, पाई डी डब्ल्यू एन डब्ल्यू डिवाइड बाय कॉस ऑफ लैम्डा इनटू 1000 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। सो पाई लिख दिया है, डी डब्ल्यू अपन ने देखा कि 133 कैलकुलेट किया था, लेकिन उसकी रेंज 101 से 57 mm तक आ रही थी, तो अपन ने यहाँ पे हाईएस्ट रेंज जो है, हाईएस्ट जो वैल्यू है उसकी 101 वो सिलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़े। तो डी डब्ल्यू हमने यहाँ पे 101 लिख लिया, एन डब्ल्यू अपन ने एज्यूम किया हुआ था 960,
लैम्बडा अपने को पता है 20 डिग्री अपन ने लिया हुआ है और 1000, तो इसके हिसाब से 325 मीटर पर मिनट अपने को वैल्यू मिलती है रबिंग वेलोसिटी की। ठीक है, नाउ रबिंग वेलोसिटी का ये एक डिज़ाइन चेक है जो आपको बोलता है कि रबिंग वेलोसिटी शुड बी बिटवीन 400 टू 1000 मीटर पर मिनट फॉर प्रेसिजन गियर्स, इट कैन बी लेस देन 400 फॉर ऑर्डिनरी गियर्स। अभी अपने न्यूमरिकल में ये प्रेसिजन गियर्स है कि नॉर्मल गियर्स है ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ये डिज़ाइन चेक नहीं कंसिडर करते हैं। 400 शुड बी वेलोसिटी रेशो शुड बी बिटवीन 400 एंड 1000, या फिर वेलोसिटी रेशो शुड बी लेस देन 400 फॉर ऑर्डिनरी गियर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं वेलोसिटी रेशो नहीं सॉरी रबिंग वेलोसिटी जो है वो अपना 400 मीटर पर मिनट से कम आया है। एंड दिस रबिंग वेलोसिटी कैन ओनली बी यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी गियर्स। ठीक है, प्रेसिजन गियर्स के लिए हम लोग ज़्यादा रबिंग वेलोसिटी यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस फार्मूला शुड ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम टेबल नंबर 16-16। लेट्स फाइंड आउट वेयर इज दैट म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 16-16 सीरियल नंबर 6 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इट इज डिपेंडेंट ऑन रबिंग वेलोसिटी। सो इफ रबिंग वेलोसिटी इज लेस देन 2 म्यू शुड बी टेकन एज 0.15। इफ रबिंग वेलोसिटी इज बिटवीन 10 to 170 इट इज 0.132 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रबिंग वेलोसिटी टू द पावर 0.28। इफ रबिंग वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 170 यू हैव टू कंसिडर दिस फॉर्मूला 0.025 प्लस रबिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय 20,000। तो हमने यहाँ पे लिखा 0.025 प्लस रबिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 20,000, तो इस हिसाब से अपने को म्यू का वैल्यू 0.041 मिल गया। और यहाँ पे हमने रबिंग वेलोसिटी और रबिंग वेलोसिटी अपने को 325 मीटर पर मिनट और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.041 ये इस स्टेप में मिल गया। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइव। ये जो स्टेप्स है ये आपने आपको पता ही चल गया होगा कि दीज आर अप्लीकेबल ओनली फॉर द वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, दीज आर ओनली अप्लीकेबल फॉर वर्म एंड वर्म व्हील। ओके, सो अब ये फार्मूला कहाँ पे है? दिस फार्मूला इज अवेलेबल इन टेबल नंबर 16-15 एफिशिएंसी ऑफ वर्म गियर। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 5 एफिशिएंसी ऑफ वर्म गियर गिवन बाय कॉस थीटा माइनस म्यू टैन लैम्बडा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू कॉट लैम्बडा। ठीक है, वेयर वेयर देखो यहाँ पे थीटा बोला है, ठीक है, फाई नहीं बोला है, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ पे थीटा बोला हुआ है, फाई नहीं बोला हुआ है। अब अपने पास फाई है और लैम्बडा है, अपने पास थीटा तो नहीं है, थीटा कहाँ से हम मिलेगा? तो थीटा का ये फार्मूला दिया हुआ है, देखिए नीचे में टैन थीटा इज इक्वल टू टैन फाई एन इंटू कॉस लैम्बडा। तो यहाँ पे अगर मुझे थीटा की वैल्यू यूज़ करनी है तो मुझे पहले थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो देयर फॉर वी यूज दिस फार्मूला टैन थीटा इज इक्वल टू टैन फाई एन कॉस लैम्बडा। सो टैन फाई एन वी नो 22.5, लैम्बडा वी नो 20 डिग्री, तो टैन थीटा अपने को 0.389 मिलता है। उसके हिसाब से अगर अपन थीटा कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ टैन इनवर्स ऑफ 0.389 विच इज़ 21.26। तो यहाँ पे थीटा जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 21.26। ठीक है, ओके, इसी के नीचे है। सो उस हिसाब से कॉस ऑफ 21.26 दैट इज थीटा माइनस म्यू 0.041 जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, टेन लैम्बडा अपने को पता है लैम्बडा इज 20 डिग्री, उसके हिसाब से अगर मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे एफिशिएंसी ऑफ दिस गियर ड्राइव मिलती है 87.78%। लेट अस कैलकुलेट इट वन, थोड़ा सा एक कंफर्म करने के लिए 0.917 डिवाइडेड बाय 1.045, तो ये अपने को 0.8746 मिलता है विच कैन बी कंसिडर्ड एज 87.46%। 87.78 नहीं आता है, 87.46% अपने को आंसर मिलता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में वी फाउंड आउट द रबिंग वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगले इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मदद से हमने एफिशिएंसी निकाली, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड निकालते हैं, और उसके अगले स्टेप में हम लोग टेम्परेचर राइज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सारी स्टेप्स कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, सो स्टेप नंबर 13 यू कैन कॉल इट हीट जनरेटेड एंड डिसिपेटेड। हीट जनरेटेड इज गिवन बाय थीटा वन या फिर साई वन। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला देखो Q1 है वो, यहाँ पे ये फाई जैसा दिख रहा है बट इट इज़ Q1। इट इज़ गिवन बाय 1 माइनस एफिशिएंसी
मल्टीप्लाइड बाय रेटेड पावर, क्या है, वन माइनस एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय रेटेड पावर। सो देखिए आप, वन माइनस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अपना परसेंटेज में आता है, तो उसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा अपने को। तो ये वन माइनस एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय रेटेड पावर, रेटेड पावर काय में लिखा हुआ है, किलोवाट में, ठीक है। तो अपने को जो हीट जनरेटेड भी मिलेगा वो किलोवाट में ही लिखेगा। अगर आप 22 × 10³ लिखते हो वाट में, तो अपने को हीट जनरेटेड भी वाट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपन ने किलोवाट में लिखा हुआ है, तो अपने को जो हीट जनरेटेड मिला 2.69 वो भी अपने को किलोवाट में मिला, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेटेड इज गिवन बाय के ए डेल्टा टी, वेयर ए इज हीट डिसिपेशन एरिया, के 0.4 × 10³ वाट पर mm स्क्वायर, दिस इज हीट डिसिपेशन रेट इन वैट पर mm स्क्वायर एरिया। के इज वॉट, इट इज हीट डिसिपेशन रेट इन वैट पर mm स्क्वायर एरिया, या फिर पर स्क्वायर mm एरिया, ठीक है। तो उसके लिए मुझे हीट डिसिपेशन एरिया चाहिए। नाउ हीट डिसिपेशन एरिया इज गिवन बाय प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वर्म गियर। हीट डिसिपेशन एरिया इज गिवन बाय प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वर्म गियर, विच आई बिलीव इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वर्म डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वर्म, ठीक है। हीट डिसिपेशन एरिया दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वर्म गियर, ओके, वर्म गियर बोला हुआ है, वर्म नहीं, वर्म गियर विल बी गिवन बाय द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द वर्म गियर, दैट आई शो यू वंस वी सॉल्व इट। सो हीट डिसिपेटेड इज के ए इंटू डेल्टा टी, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वर्म गियर और हीट डिसिपेशन एरिया दैट इज ए इज गिवन बाय पाई बाय 4 डीजी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट सर्फेस एरिया, मल्टीप्लाइड बाई डी डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू इज वॉट, इट इज़ द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वर्म। तो लेट मी शो यू अ फोटोग्राफ ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील, देयर आई विल बी इन अ पोजिशन टू टेल यू हाउ दिस प्रोजेक्टेड एरिया इज कैलकुलेटेड। एक तरीका है कि आप ये फॉर्मूला याद कर ले, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ याद करने लायक है। ये मैं सिंपल एक फ़ोटो आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट दैट। ओके, लेट मी फाइंड आउट अ गुड फोटो। ये देखिए, नाउ प्रोजेक्टेड एरिया मतलब हमको यहाँ पे कितना एरिया दिख रहा है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस और ऑफ दिस गियर, प्लस इसका अगर आप इसको अगर आप एक रेक्टेंगल करके कंसिडर करते हैं तो इट विल बी डी डब्ल्यू विच इज़ द विड्थ ऑफ दिस द प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय एल डब्ल्यू दैट इज लेंथ ऑफ द वर्म। तो उसके हिसाब से इन दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो अपने को प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वर्म गियर और हीट डिसिपेशन एरिया मिलता है। सो पाई बाय 4 डी जी स्क्वायर प्लस डी डब्ल्यू एल डब्ल्यू। अब डी जी की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, डी डब्ल्यू अपने पास अवेलेबल है, एल डब्ल्यू अपने पास अवेलेबल नहीं है। इस एल डब्ल्यू के लिए अपने को फिर से टेबल नंबर 16-19 में जाना पड़ेगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल डब्ल्यू। लेट अस गो टू टेबल नंबर 16-19। एल डब्ल्यू इज़ करेस्पॉन्डिंग टू वर्म, लेंथ ऑफ द वर्म। तो अपने को पहले टेबल में ये देखना पड़ेगा, अपना डबल थ्रेड है तो उसके हिसाब से 4.5 प्लस 0.02 टी मल्टीप्लाइड बाई पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, 4.5 प्लस 0.02 टी इंटू पी सी, तो 4 टी यानी टी डब्ल्यू, ठीक है। तो उस हिसाब से पी सी की जगह पर पाई इंटू एम लिख दिया तो अपने को एल डब्ल्यू मिला 200 mm, एल डब्ल्यू अपने को मिला 200 mm। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ से अपने को एरिया मिल जाता है 37.5। दिस इज प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वर्म एंड वर्म गियर 37.5 × 10⁴ mm². ऑलवेज कीप इन माइंड सिंस द वैल्यू ऑफ के, सिंस द यूनिट ऑफ के, लेट मी शो यू, जो अपन ने के का वैल्यू एज्यूम करके चले हैं, ये वैट पर mm स्क्वायर में है, वैट पर mm स्क्वायर में। तो अपने को जो एरिया यहाँ पे चाहिए प्रोजेक्टेड एरिया, वो भी अपने को mm स्क्वायर में ही चाहिए। ये सारी वैल्यू जब हम लिख लेते हैं, के ए डेल्टी, के ए डेल्टी, ये जब हमने लिख लिया, अब डेल्टी अपने को पता नहीं है, डेल्टी इज एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टी इज वॉट, टेम्परेचर राइज या फिर टेम्परेचर डिफरेंस, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो डेल्टी जैसा का वैसा रख लिया तो अपने को Q2 मिला 150 डेल्टी वैट। नाउ दिस कीप इन माइंड, दिस इज इन किलो वैट, दिस इज इन वैट, तो अपने को ये दोनों को जब कंपेयर करना है तो दोनों को अपने को वैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टू फाइंड आउट डेल्टा टी, बेस्ट केस सिनेरियो इज हीट जनरेटेड दैट इज Q1 should be equal to heat dissipated. Best case scenario is what? Heat generated Q1 should be equal to heat dissipated. तो हम दोनों ने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 150 डेल्टी 2.6 = 2.69 × 10³³ और डेल्टी वी गेट इट एज 18 degrees, डेल्टी वी गेट इट एज 18 degree Celsius, एंड दिस टेम्परेचर राइज इज विद इन लिमिट
विद इन लिमिट ऑफ वॉट, ये लिमिट कहाँ से पता चली आपको, यहाँ से देखो, मैक्सिमम ऑयल टेम्परेचर जो है दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डेल्टी, ये जो डेल्टी है ये 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेल्टी जो है ये 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अपना कितना आया 18 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इस ऑयल का, जो ऑयल में ये वर्म एंड वर्म गियर आप ऑपरेट कर रहे हो, जो ऑयल में आप वर्म एंड वर्म गियर ऑपरेट कर रहे हो, उस ऑयल का टेम्परेचर 18 डिग्री से बढ़ेगा। डेल्टी का मतलब क्या हुआ, जो ऑयल बाथ में आप ये वर्म एंड वर्म व्हील ऑपरेट कर रहे हो उस ऑयल का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर राइज दस ऑप्टेंड इज विद इन द लिमिट्स, दैट इज इट इज़ लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस एज पर डेटा बुक, एंड देयर फोर आई कैन से दैट इट इज़ ओके टू कैरी फॉरवर्ड विद द डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। और आखिरी में हम लोग डायमेंशंस ऑफ वर्म एंड वर्म गियर लिखते हैं, एंड फॉर दैट वी यूज़ दिस टेबल नंबर 16-19, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग आपको ऊपर में जो डब्बा है, जो टेबल है, इसमें वर्म के डायमेंशंस है, जिसमें प्रेशर एंगल तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, उसके हिसाब से DW ये सब हमने कंटिन्यू किया। यहाँ पे देख रहे होंगे कि नॉर्मल प्रेशर एंगल जो है यहाँ पे 14.5 डिग्री दे दिया गया है डायरेक्ट, बट दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आपने 20 डिग्री एज्यूम किया है तो हाँ, डबल थ्रेड में भी आप 20 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का एक नॉर्म फॉलो किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन करके हमने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पे 14.5 बोला है हमने, ज़्यादा लिया क्यों, कैसे, तो ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। प्रेशर एंगल अपना ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो वी विल नॉट रिकैलकुलेट दिस वैल्यू। DW अपना कैलकुलेटेड है, ठीक है। LW अपन ने निकाल चुके हैं, डेप्थ ऑफ टूट अपने को मिलता है 0.686 PC, एडेंडम, हब डायामीटर, मिनिमम बोर ऑफ शाफ्ट, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं। उसके नीचे हम लोग गियर की वैल्यूज़ कैलकुलेट करती है, DO, DR, BR, RB, RR, और आप देख सकते हो कि ये सारी वैल्यूज़, एक तो PC दैट इज़ पिच, क्या बोला मैंने, PC बाबा, सर्कुलर पिच, और DG पे डिपेंड करती है, दैट इज़ गियर डायमीटर पे, ठीक। तो और यहाँ पे आपका ये न्यूमरिकल, वी कैन से दैट वी विल बी, दैट न्यूमरिकल विल बी ओवर, ये डायमेंशन निकालने के बाद। लेकिन ये डायमेंशन निकालने के बाद आपने सिर्फ इसका पार्ट वन सॉल्व किया है। पार्ट वन कौन सा था, प्रपोर्शंस ऑफ वर्म एंड वर्म गियर। तो आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया एक्चुअली, आखिरी में वी ओनली फाउंड आउट प्रपोर्शंस ऑफ वर्म एंड वर्म गियर। इसके बाद पार्ट बी में अपने को गियर ब्लैंक भी डिज़ाइन करना पड़ता है। पार्ट बी में अपने को गियर ब्लैंक भी डिज़ाइन करना पड़ता है, और गियर ब्लैंक डिज़ाइन इज़ सेम फॉर स्पर गियर और हेलिकल गियर और बेवल गियर। एंड विद दैट आई कैन से दैट द डिज़ाइन ऑफ वर्म गियर इज़ ओवर, ठीक है। सो नाउ सिंस वी हैव हाफ एन आवर लेफ्ट, आई थिंक फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स आई विल टेक योर क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट वी विल सी इफ वी कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड न्यूमरिकल, विच आई विल गिव यू एज द होमवर्क